मी डॉक्टर रायमन काती काती हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजिस्ट आहे. म्हणजे सगळे प्रकारचे स्त्री रोग निदान होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 6 तारीख को जो हिंदू संघ आक्रोश मोर्चा हुआ वो शिवाजी चौक से तन्ना चौक तक का उसका रूट था मदला मारती में, और सुल्तानिया मस्जिद पास मंगल बाज़ार पास जो दगड़ पे करे उसमें कुछ दुकानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. जैसा कि एवन ट्रेडर्स, जेके ज्वेलरीज, केक पॉइंट और लीडर होटल, मेट्रो लीडर, नीलम बेकरी, ऐसे जो है ना बहुत नुकसान करे सो है. तो इसमें ये इसको शांत हमारी गली के सब लोग मिल को करे, तो हमारे गली के सब जिम्मेदार लोग मिल को इसको शांत करे. तो इसमें पुलिस प्रशासन भी हमारे को बहुत अच्छा साथ दिया, जैसा कि दीपाली काड़े मैडम, ताबड़े साहब. तो इसमें कुछ लोग जो है ना राजकारण कर रहे हैं, कुछ ख्याली आमदार आ रहे हैं और वीडियो बनाकर जा रहे हैं. तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गली में कुछ भी हुआ तो हम उसको देखने के लिए सक्षम हैं. हमारे गली के बहुत सारे नौजवान हैं जो इसको हैंडल कर सकते हैं. अगर आपको कुछ करना है तो पुलिस स्टेशन के हद तक और कानूनी कार्रवाई को कार्रवाई के लिए साथ दो. सिर्फ आकर इधर वीडियो बनाकर जाने में साथ मत दो, इससे माहौल ख़राब होता है. इससे जो है ना इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है. ये जो है ना आप दो समाज में तेज निर्माण करने का काम कर रहे हो, तो इसको बंद करो, यहाँ से इसको रुको. और यहाँ सब व्यापार है, हिंदू भी व्यापार है, और यहाँ पर जो है ना ये बाजार पेट है, ये सोलापुर का मुख्य बाजार पेट है. ये इधर हर समाज का व्यापारी रहता है, हर समाज का व्यापारी व्यापार करता है इधर. ये कोई एक समाज के व्यापारी का बाजार पेट नहीं है. ये तरह को हिंदू सकल मोर्चा जो धक्का गया था उसी सोलापुर से अपने कुंतम चौक से मतदान मर्जी का माहौल खराब हो रहा है. तो हम पुलिस प्रशासन हमको साथ देने से यहाँ का माहौल अभी ज़रा अच्छा है, और हमारे मोहल्ले की जिम्मेदारी भी इसमें बढ़ चढ़ कर सौभाग्य होकर इसमें काम कर को मामले को शांत करे सो है. लेकिन आइंदा भी रामनवमी है अभी 2 महीने से, उसको जरा पुलिस प्रशासन जरा सोच विचार कर परमिशन देना. आइंदा ऐसा माहौल यहाँ ख़राब नहीं होना, इतनी हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है.